कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स बताने वाली हूं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? आई थिंक आपको पता है कि वर्ब्स क्या होते हैं। जैसे कोई भी क्रियाएं होती हैं, खाना पीना सोना, इनको हम वर्ब्स बोलते हैं। और प्रेपोजिशंस और एडवर्ब भी आपको आई थिंक पता है, ऑन अंडर। तो जब वर्ब्स किसी एडवर्ब या फिर प्रेपोजिशन के साथ मिलकर एक या दो वर्ड में एक शब्द बनाता है, एक वर्ड बनाता है, उसको हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है लाइक मतलब होता है पसंद करना, ओके, और फील मतलब होता है महसूस करना। ये दोनों एकदम सेपरेट अलग वर्ड्स हैं, बट जब हम इन दोनों को साथ में मिला देते हैं तो बनता है फील लाइक। और इसका एक बिल्कुल सेपरेट और डिफरेंट मीनिंग होता है। फील लाइक का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा होना। जैसे अगर मैं बोलूँ आई फील लाइक गोइंग टू मार्केट, मतलब मुझे अभी मार्केट जाने की इच्छा है। तो ऐसे जब दो शब्द मिलकर एक एक अलग ही शब्द बनाते हैं जिसका एकदम डिफरेंट मीनिंग होता है, उसको हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ लाइक 21 प्लस में आपको फ्रेजल वर्ब्स बताऊंगी, क्योंकि इंग्लिश सीखना अगर आप चाहते हैं तो आपकी लैंग्वेज इंप्रेसिव होनी चाहिए, और फ्रेजल वर्ब्स के थ्रू लैंग्वेज इंप्रेसिव बनती है। जैसे अगर आपको वॉन्ट पता है, वॉन्ट मतलब होता है चाहना, तो अगर आप ऐसा भी बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट, तो वो भी सही है। बट अगर आप ऐसा बोलेंगे आई फील लाइक गोइंग टू मार्केट, तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव और स्टैंडर्ड साउंड हो रहा है। तो ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ है इंग्लिश में, जो आपकी लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई कर देते हैं, आपकी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देते हैं। तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, मेरा सजेशन है, अगर आप लिटरली इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं। ऑलराइट, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से वो वर्ब्स हैं। वैसे तो फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारे होते हैं, ये तो फिलहाल सिर्फ 21 फ्रेजल वर्ब्स हैं। मैं आपको टाइम के साथ धीरे धीरे बताते जाऊंगी फ्रेजल वर्ब्स अलग अलग वीडियोस के थ्रू। आप सीखेंगे तो आपकी इंग्लिश और बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ट्रस्ट मी। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है हमारी लिस्ट में कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से मिल जाना, यानी किसी भी इंसान से, किसी भी जगह से, किसी भी चीज़ से अचानक बिना किसी प्लानिंग के मिलना, उसे बोलते हैं हम संयोग से मिल जाना, या फिर सिंपली मिलना, उसको भी हम कम अक्रॉस बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे, इसका मतलब कल मैं मार्केट में या बाजार में संयोग से अपने पुराने दोस्त से मिला। या फिर सिंपली आप ऐसा भी बोल सकते हैं वाई डोंट यू कम अक्रॉस माई प्लेस, मतलब तुम मेरे घर पर या मेरे जगह पर क्यों नहीं आते। या फिर आप सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं दिस इज द वर्स्ट प्लेस आई हैव एवर कम अक्रॉस, यानी कि ये सबसे घटिया जगह है जहां पर मैं आया हूँ। तो इस तरीके से कम अक्रॉस को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी लिस्ट में अग्री विथ। अग्री विथ का मीनिंग होता है योग्य होना या उपयुक्त होना, जबकि ज्यादातर लोग अग्री विथ को सहमत होना मानते हैं, जो कि गलत है। एग्जाम्पल देखिए, ऑयल डजंट अग्री विथ माई स्टमक, इसका मतलब हुआ तेल मेरे पेट के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑयल डजंट अग्री विथ माई स्टमक, यानी कि ऑयल खा के मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मेरे पेट के लिए सही नहीं है। तो अग्री विथ का यूज़ आप ज़्यादातर निगेटिव सेंस में करते हैं और स्वास्थ्य के सेंस में करते हैं, हेल्थ के सेंस में करते हैं। जैसे स्वीट डजंट अग्री विथ माई स्टमक, यानी कि मीठा मेरे लिए सही नहीं है, मेरे पेट को ज़्यादा वो सहन नहीं होता, तो अग्री विथ का ऐसा यूज़ होता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी लिस्ट में बिलीव इन। ये बहुत कॉमन है, आई थिंक आपको इसका मीनिंग पता होगा। बिलीव इन का मतलब होता है मैं विश्वास रखना, यानी किसी भी चीज में विश्वास रखना। एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स, इसका मतलब मुझे भूतों में विश्वास नहीं है, या मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसे बोल सकते हैं बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ, इसका मतलब अपने आप में विश्वास रखें, तो बिलीव इन को ऐसे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी लिस्ट में बेयर विथ। बेयर विथ का मीनिंग होता है साथ देना या फिर बर्दाश्त करना भी इसका मीनिंग होता है। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज बेयर विथ मी। प्लीज बेयर विथ मी, इसका मतलब कृपया मेरा साथ दें। या फिर आप बर्दाश्त करने के सेंस में ऐसा बोल सकते हैं आई कांट बेयर विथ हिज रूड बिहेवियर। आई कांट बेयर विथ हिज रूड बिहेवियर, मतलब मुझे उसका रूड या रूखा व्यवहार बर्दाश्त नहीं होता। तो इस तरीके से बेयर विथ को दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी लिस्ट में कीप अप। कीप अप का मतलब होता है कायम रखना या बनाए रखना।
एग्जाम्पल देखिए, कीप अप द गुड वर्क. हमने बहुत बार इस सेंटेंस को बहुत सारे लोगों को कॉमेंट करते हुए सुना है. कीप अप द गुड वर्क, इसका मतलब आप अपना अच्छा काम बनाए रहें, यानी उसको कायम रखें, आप उसको करते रहें. या सेकेंड एग्जाम्पल, कीप अप वॉट यू आर करंटली डूइंग, मतलब जो आप अभी कर रहे हैं उसको जारी रखिए, उसको बनाए रखिए, कायम रखिए. तो कीप अप को ऐसे यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी लिस्ट में बैक आउट. बैक आउट एक अच्छा फ्रेजल वर्ब है जो बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज होता है. इसका मतलब होता है अपनी बात से मुकर जाना या अपनी बात से फिर जाना. एग्जाम्पल देखिए, यू हैव टू कम, यू हैव टू कम, यू कांट बैक आउट नाउ. यू हैव टू कम, यू कांट बैक आउट नाउ, आपको आना पड़ेगा. यू हैव टू कम, यू कांट बैक आउट नाउ, अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते. बैक आउट मतलब मुकरना. सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, यू प्रॉमिस्ड मी टू हेल्प बट यू आर बैकिंग आउट नाउ. तुमने मुझे प्रॉमिस किया था मदद करने के लिए बट अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो. तो इस तरीके से बैक आउट को यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी लिस्ट में चेक आउट. चेक आउट का मीनिंग होता है होटल छोड़ना या फिर सिंपली जांच करना. ठीक है, किसी भी चीज़ को चेक करना, उसके लिए भी चेकआउट यूज़ होता है. और जो बहुत कॉमनली चेकआउट का मतलब होता है वो किसी इंसान को एकदम अलग नज़र से, जब आप ऊपर से नीचे तक चेक करते हैं, उसके लिए टर्म यूज़ होता है चेकआउट करना. चेकआउट का एग्जांपल होटल के सेंस में देखिए, यू मस्ट चेक आउट ऑफ द होटल बाय 11 AM. यू मस्ट चेक आउट ऑफ द होटल बाय 11 AM, इसका मतलब आपको सुबह 11 बजे तक होटल से बाहर आना पड़ेगा या आपको सुबह 11 बजे तक होटल को छोड़ देना पड़ेगा. ऑलराइट, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी लिस्ट में कॉल ऑफ. कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना या रोकना. ये भी बोलचाल वाला फ्रेजल वर्ब है, बहुत ज्यादा यूज होता है. एग्जाम्पल देखिए, द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ. द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, इसका मतलब बैठक रद्द कर दी गई है. या आई कॉल्ड ऑफ द पार्टी, मैंने पार्टी को रद्द कर दिया या पार्टी को कैंसिल कर दिया. तो इस तरीके से यूज होता है कॉल ऑफ. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी लिस्ट में कट इन. कट इन भी एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है. इसका मतलब होता है बीच में टोकना. एग्जाम्पल देखिए, डोंट कट इन वाइल आई एम टॉकिंग. डोंट कट इन वाइल आई एम टॉकिंग, इसका मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत टोको. ठीक है, कट इन मतलब बीच में टोकना. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी लिस्ट में मेकअप. मेकअप का मतलब होता है बनाना, रचना या गढ़ना. जब मेक और अप दोनों साथ में लिखे होते हैं वो मेकअप बन जाते हैं. और मेकअप क्या होता है आपको पता है, राइट? तो मेकअप जब अलग अलग लिखा हो तो इसका मतलब होता है बनाना. एग्जाम्पल देखिए, डोंट मेकअप सच सिली एक्सक्यूजेज. डोंट मेकअप सच सिली एक्सक्यूजेज, इसका मतलब इस तरीके के मूर्ख बहाने मत बनाओ. या फिर इसके अलावा आप मेकअप का पास्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं. जैसे आई हैव मेड अप माई माइंड. आई हैव मेड अप माई माइंड मतलब मैंने अपना दिमाग बना लिया है. या फिर उसको अलग भाषा में बोले तो मैंने डिसाइड कर लिया है. इस तरीके से मेकअप का यूज होता है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है जॉइन इन. जॉइन इन एक बहुत कॉमन वर्ब है, आई थिंक आप इसका मतलब समझ सकते हैं. जॉइन इन मतलब होता है शामिल होना या सम्मिलित होना. एग्जाम्पल देखिए, कम एंड जॉइन इन द गेम. कम एंड जॉइन इन द गेम, इसका मतलब आओ और खेल में शामिल हो जाओ. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव अप. गिव अप एक बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रेजल वर्ब है जो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा. गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना या त्यागना. एग्जाम्पल, आई गिव अप. आई गिव अप, इसका मतलब मैं हार मानता हूँ. या फिर हम जनरली ऐसा बोलते हैं, डोंट गिव अप, मतलब हार मत मानो. या फिर आप सेकेंड एग्जाम्पल ऐसा भी बोल सकते हैं, आई हैव गिवन अप ऑन माई ड्रीम्स, मतलब मैंने अपने सपनों को छोड़ दिया है या त्याग दिया है. तो गिव अप को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट ऑफ. गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना. ये ज़्यादातर गाड़ी से, साइकिल से या किसी भी व्हीकल से उतरने के सेंस में यूज़ होता है. एग्जाम्पल देखिए, गेट ऑफ माई कार. गेट ऑफ माई कार, इसका मतलब मेरी कार से उतरो. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फील लाइक. फील लाइक का मतलब होता है इच्छा होना, मन होना किसी चीज़ के ऊपर या फिर किसी चीज़ को चाहना. इसका एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में दे दिया था. फील लाइक का एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनी थिंग टूडे. आई डोंट फील लाइक डूइंग एनी थिंग टूडे, इसका मतलब आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है. या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनी थिंग, या मेरा कुछ खाने का मन नहीं है. या फिर एक एग्जाम्पल तो मैंने दे ही दिया था आपको कि आई फील लाइक गोइंग टू मार्केट, मतलब मेरा मार्केट जाने का मन हो रहा है या मार्केट जाने की इच्छा है. तो इस तरीके से फील लाइक बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फिगर आउट. फिगर आउट भी एक बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रेजल वर्ब है जो बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. इसका मतलब होता है हिसाब लगाना, समझना या सुलझाना. यानी किसी चीज़ को, किसी परेशानी को समझने की कोशिश करने के सेंस में हम फिगर आउट का यूज़ करते हैं.
एग्जाम्पल देखिए, वी मस्ट फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. वी मस्ट फिगर आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका मतलब हमें पता लगाना चाहिए. वी मस्ट फिगर आउट, हमें पता लगाना चाहिए, समझना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि समस्या को कैसे सुलझाया जाए या उसे हल किया जाए. या फिर आप सेकेंड एग्जाम्पल ऐसा बोल सकते हैं, वी नीड टू फिगर आउट द सोल्यूशन, मतलब हमें सोल्यूशन पता करना चाहिए या समझना चाहिए. तो इस तरीके से फिगर आउट यूज़ होता है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है काउंट ऑन. इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल फ्रेजल वर्ब जो बहुत ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश में यूज़ किया जा सकता है. अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत इंप्रेसिव लगता है. ऑलराइट, काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना या भरोसा रखना. एग्जाम्पल देखिए, यू कैन काउंट ऑन मी. You can count on me, इसका मतलब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं. या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, Can I count on you for this? क्या मैं इसके लिए तुम पर भरोसा कर सकता हूँ. तो count on एक बहुत ज़्यादा beautiful phrasal verb है. Next phrasal verb है show off. ये भी एक बहुत ज़्यादा common phrase है. इसका मतलब होता है दिखावा करना या प्रदर्शन करना. Example देखिए, He likes to show off his abilities. He likes to show off his abilities, इसका मतलब उसे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना पसंद है. या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, She shows off, कि वो दिखावा करती है. She shows off her beauty, वो अपनी beauty का दिखावा करती है. तो show off को ऐसे use किया जा सकता है. Next हमारी list में है cut short. कट शॉर्ट का मतलब होता है समय से पहले समाप्त कर देना. किसी भी चीज़ को टाइम से पहले ख़त्म करने के सेंस में हम कट शॉर्ट का यूज़ करते हैं. एग्जांपल देखिए, कट शॉर्ट द नॉनसेंस एंड कम टू द पॉइंट. कट शॉर्ट द नॉनसेंस एंड कम टू द पॉइंट, इसका मतलब बकवास को बंद करो, यानी बकवास को बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करो और मुद्दे पर आओ. या फिर आप इसको अलग सेंस में ऐसे बोल सकते हैं, हर करियर वॉज कट शॉर्ट बिकॉज ऑफ हर एक्सीडेंट. हर करियर वॉज कट शॉर्ट बिकॉज ऑफ हर एक्सीडेंट, मतलब उसका करियर उसके एक्सीडेंट की वजह से टाइम से पहले ख़त्म हो गया. तो कट शॉर्ट को ऐसे यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन. टर्न डाउन भी एक बहुत बोलचाल वाला फ्रेजल वर्ब है. इसका मतलब होता है अस्वीकार कर देना या मना करना. एग्जाम्पल, आई टर्न डाउन हिज इन्विटेशन टू द पार्टी. I turned down his invitation to the party, इसका मतलब मैंने पार्टी का उनका निमंत्रण ठुकरा दिया. या फिर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, He turned down my request, मतलब उसने मेरी रिक्वेस्ट को, मेरी विनती को ठुकरा दिया या मना कर दिया. तो turn down का ऐसा यूज़ होता है. नेक्स्ट phrasal verb है हमारी लिस्ट में workout. Workout भी एक बहुत ज़्यादा बोलचाल वाला phrasal verb है. इसका मतलब होता है सुलझाना. वर्कआउट का एक बहुत अच्छा यूज़ होता है सुलझाना, है ना. किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के सेंस में हम वर्कआउट का यूज़ करते हैं, और इसका व्यायाम करने के सेंस में, एक्सरसाइज करने के सेंस में तो यूज़ होता ही. आई थिंक ये आपको पता ही होगा कि मैंने आज सुबह से बहुत सारा वर्कआउट किया है या उसने अपना वर्कआउट कर लिया है, तो ये व्यायाम के सेंस में हुआ. और सुलझाना, उत्तर निकालना है सेम, कि किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके सेंस में वर्कआउट का यूज़ कैसे होगा वो आप एग्जाम्पल से समझिए. He is very intelligent and can work out any difficult problem. He is very intelligent, मतलब वो बहुत ज़्यादा intelligent है, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है. And can work out any difficult problem, और किसी भी मुश्किल समस्या को हल कर सकता है या सुलझा सकता है. या फिर सिंपली आप ऐसा बोल सकते हैं, Could you please work out this problem, कि क्या तुम इस प्रॉब्लम को सुलझा सकते हो. तो वर्कआउट को ऐसे यूज़ किया जा सकता है. बहुत अलग अलग तरीके से वर्कआउट यूज़ होता है और बहुत अच्छे से इसको इंग्लिश में यूज़ किया जा सकता है. सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, दिस प्लान विल नॉट वर्क आउट, मतलब ये प्लान काम नहीं करेगा. तो वर्कआउट के मल्टीपल यूजेज हैं. नेक्स्ट और लास्ट फ्रेज है हमारी लिस्ट में स्टैंड आउट. स्टैंड आउट का मतलब होता है अलग से दिखना. एग्जाम्पल देखिए, हर ब्यूटी मेक्स हर स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. हर ब्यूटी मेक्स हर स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, इसका मतलब उसकी सुंदरता उसे भीड़ से अलग दिखाती है. या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, हर टैलेंट मेक्स हर स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, यानी उसका टैलेंट उसे भीड़ से अलग बनाता है. तो इस तरीके से स्टैंड आउट को यूज़ किया जा सकता है. तो ये थे 21 फ्रेजेस. अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना. तो ये थे 21 फ्रेजल वर्ब्स. मुझे उम्मीद है सारे के सारे वर्ब्स आपको यूजफुल लगे होंगे, और जो मैंने उनके ऊपर आपको सेंटेंसेस बताए वो भी बहुत ज़्यादा आपको यूजफुल लगे होंगे. क्योंकि अगर आप इन फ्रेजल वर्ब्स को अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव साउंड होती है, और ऑब्वियसली मैंने जो सेंटेंसेस बताए उनको तो आप यूज़ करके अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छा खासा इंप्रूव कर ही सकते हैं. तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा. इस वीडियो के बारे में, इन फ्रेजल वर्ब्स के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है वो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा.
और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी आपकी मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा जब इस चैनल पर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी। ऑलराइट, सो नाउ इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर आप हमारे पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सेंटर पर आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने के लिए मिलता है जो आपकी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आता ही है। ऑलराइट, नाउ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।